बड़ी दिक्कत हो गई है। साइकिल का जो गियर का फंक्शन है वो टूट गया पूरा। ये गियर सेटअप है साइकिल का और ये टूट गया है। अभी पैदल भी नहीं चला सकता मैं इसको, और यहाँ से आगे 2-4 किलोमीटर दूर वो चमोली टाउन है। उम्मीद करता हूँ वहाँ कुछ जुगाड़ हो जाए, मिलना मुश्किल है। ये फिलहाल तो कुछ देखते हैं, कोई अगर व्हीकल आता हुआ मिले तो उसमें रख के ले जाना पड़ेगा इसको। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे चमोली मार्केट है एक, वहाँ तक पैदल कोशिश करता हूँ अगर चलती है। क्या आ रहा है कोई, ये रास्ता है पतला सा टूटा हुआ, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। बीच बीच में बहुत पतला रास्ता है, एक ही व्हीकल निकलता है। ये भयंकर हवा चल रही है, ऐसा रोड है। गाड़ी वाले देख भी नहीं सकते जब पुलिस गिरती है, गाड़ियाँ इसलिए रुकी हुई है सामने। ये चमोली की मार्केट है, यहाँ देखते हैं कोई मिलता है मैकेनिक। मैकेनिक तो नहीं मिला, कोई रहने की जगह देखते हैं पहले। ये रेन बसेरा है तो भी यहाँ पे रूम का बेड का जुगाड़ हुआ है। इधर साइकिल खड़ी कर दी है मैंने, तो जब तक इसका सामान नहीं आता कोई चारा नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चमोली में हूँ। साइकिल ख़राब हो गई थी कल, तो उसके लिए रुकना पड़ा यहाँ पे। और अल्मोड़ा से सामान मंगवाया है, गियर बॉक्स जो टूटा हुआ है, तो होपफुली आज शाम तक आ जाना चाहिए। और रुकने के लिए जो मेरे पीछे ये बेड लगे हुए देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हॉल है, ये रैन बसेरा है। अल्मोड़ा में भी मैं इसी तरीके के रैन बसेरे में रुका था। तो अगर आप आते हैं उत्तराखंड और आपको चाहिए एक बहुत ही सस्ती सी और अच्छी जगह रहने के लिए, तो रैन बसेरा सर्च कीजिए आप पूछ के किसी से भी। ये बेड जो लगे हैं ये डोरमेट्री सिस्टम है, यहाँ पे आपको एक बेड 50 से 100 रुपए में मिल जाएगा। अगर आपको रूम चाहिए तो यहाँ पे रूम भी अवेलेबल होता है। तो ये सारे के सारे बेड हैं, हर बेड पर एक ब्लैंकेट मिलेगा गर्म आपको, और चार्जिंग पॉइंट भी है यहाँ पे, और वो एंड में बाथरूम और वॉशरूम है। तो काफ़ी अच्छी जगह है, सस्ती भी है। साइकिल का बनाने जुगाड़ कोई, मतलब जो सामान मैंने अल्मोड़ा से मंगवाया इसका गियर सेट जो, तो वहाँ एक गोपाल ने के भाई जी है, उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की, पर दिक्कत ये है कि अल्मोड़ा से चमोली को डायरेक्ट कोई बस या टैक्सी नहीं है। तो फिर ये आइडिया ड्रॉप ही कर रहे हैं। अभी एक ऑप्शन और है, वो देखते हैं सिंगल गियर पे अगर ये सेट हो जाए तो। अब इसका ये जो गियर सेट है ये खोल के हम अलग कर रहे हैं, ताकि हम चेन को जो है एक ही गरारी पे सेट कर सकें। तो ये इतनी चेन काटनी पड़ेगी, उसके बाद ये नॉर्मल साइकिल जैसी हो जाएगी। तो काटने के बाद अब ये ऐसे हो गई है, इसमें अब गियर सिस्टम नहीं है। तो फाइनली बाइक रेडी है, कल निकलते हैं सुबह जोशीमठ के लिए।
ये हमने दो को मिला के एक डबल वाला बेड कर दिया है क्योंकि सारे खाली हैं, ज़्यादा कुछ पैकिंग वाला है नहीं, तो कल होपफुली जोशीमठ पहुँच जाऊँगा। तो अब थोड़ा बहुत टाइम है आज के दिन का, देख लेते हैं। ये छोटी सी चमोली है, आसपास एक नदी है मेन देखने वाली, बाकी बाजार तो इतना छोटा देख ही लिया है। ये अलकनंदा नदी है और ये छोटा सा चमोली, जितना सामने इस वीडियो में दिखाया बस यही चमोली है।